दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शाला दर्पण से रिलेटेड नवीन अपडेट्स की, और वो है न्यू एडमिशन एंट्री सेशन 2021-22। तो नवीन सत्र 2021-22 को लेकर अपडेट आ रहे हैं शाला दर्पण पर। इसमें से एक नवीन अपडेट आ चुका है कि स्टूडेंट से रिलेटेड एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ हो चुके हैं नवीन सत्र में। तो देखेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट टैब के अंदर किस प्रकार से एडमिशन करते हैं, नवीन ऑप्शन शुरू हो चुका है शाला दर्पण से रिलेटेड अपडेट से। विद्यालय लॉगिन के द्वारा हमें जो भी अपनी आईडी होती है विद्यालय के लॉगिन हो जाएँ शाला दर्पण पर, और यहाँ पर स्टूडेंट टैब के अंदर जाना है। यहाँ पर नवीन ऑप्शन आ चुका है न्यू एडमिशन एंट्री। न्यू एडमिशन एंट्री में हम नवीन सत्र के अनुसार जो सेशन 2021-22 है उसमें एडमिशन कर सकते हैं नए। ये आपको स्टूडेंट के अंदर ऑप्शन मिलेगा न्यू एडमिशन एंट्री, यहाँ पर अब नवीन विद्यार्थी का एडमिशन कर सकते हैं। ये अपडेट स्टार्ट हो चुका है सेशन 2021-22 में। तो सबसे पहले स्टूडेंट के अंदर जाएंगे, स्टूडेंट के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा हमें, आगे बढ़ेंगे जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है। तो नए सत्र में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। फुल बेसिक डिटेल ऑफ द न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स सेशन 2021-22, यानी नए सत्र प्रारंभ कर दिया गया है शाला दर्पण पर जिसमें हम न्यू एडमिशन कर सकते हैं किसी भी बच्चे का। तो बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, सेलेक्ट क्लास करना है, प्री एडमिशन डिटेल बतानी इंस्टीट्यूट की, और गो पे क्लिक कर देना है जिस प्रकार से नॉर्मली हम एडमिशन करते हैं। तो ये नवीन अपडेट भी आ चुका है शाला दर्पण पर एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर। अब जैसे एक बार देख लेते हैं प्रक्रिया को रिलेट, जैसे हम क्लिक करते हैं जो भी क्लास फर्स्ट है, जैसे हम यहाँ हम चूज़ कर लेते हैं अपनी क्लास फर्स्ट में किसी को एडमिशन देना है तो सेलेक्ट क्लास करेंगे, प्री एडमिशन लिख सकते हैं प्रथम बार एडमिशन, और फिर क्लिक कर देंगे और ये सारी सूचनाएँ आ रही है हमारे सामने इस प्रकार से। जरूरी डिटेल फिल करनी है, मोबाइल नंबर सहित सभी प्रविष्टियों की पूर्ति करनी आवश्यक है, और सेव एंट्री करना है, उसके पश्चात कंफर्म एडमिशन करना है तो एडमिशन कंफर्म हो जाता है। कक्षा 2 से 8 तक प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में घोषणा पत्र भरवाना अनिवार्य होता है, और घोषणा पत्र की PDF फाइल प्रिंट करने हेतु सेव रखें और सीधे ही प्रिंट है तो प्रिंटर ऑन की स्थिति में रखें। और इसके साथ ही ये सारी डिटेल्स से रिलेटेड हमें पूछे जाते हैं डिटेल्स स्कूल में एडमिशन करने के लिए। ऑप्शन आते हैं, इन ऑप्शन को हमें फिलअप करना होता है, गार्जियन नेम है, स्टूडेंट्स का नेम है, उसका मदर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, और साथ ही सेक्शन और सेशन भी आ रहा है। अभी 2021-22 सेशन आ रहा है, इस नॉर्मली ये सारी डिटेल्स फिल करनी होती है एक एडमिशन के रूप में। और फिर इस प्रकार से विद्यालय से रिलेटेड और भी कोई योजनाएँ हैं तो यहाँ पूछ लेते हैं, विद्यालय से निवास स्थान से दूरी वगैरह है, ये सारे डिटेल्स फिल करने के पश्चात लास्ट में हमें SR नंबर जारी करना होता है, बच्चे से रिलेटेड SR नंबर जारी करके एडमिशन डेट की जाती है, स्टूडेंट एडमिशन अकॉर्डिंग टू स्कूल SR, और सेव एंट्री करनी होती है, सेव एंट्री कर सकते हैं, और फिर लास्ट में कंफर्म एडमिशन करना होता है। तो इस प्रकार से ये नवीन ऑप्शन शुरू हो चुका है सेशन में। प्रवेश को कंफर्म करने के लिए क्लिक करें, बटन को एक्टिव करने के लिए पहले फॉर्म पर मांगी गई SR नंबर से भी सूचनाएँ भरें और सेव बटन पर क्लिक करें, उसके पश्चात ही नीचे दी गई विद्यार्थी नाम के एडिट बटन पर क्लिक कर पेज पर सेव किया डाटा दिखाई देगा। तो आप सेव करेंगे पहले और फिर कंफर्म एडमिशन करके एडमिशन कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस है नवीन सेशन के लिए।